हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा से। इसलिए आज के सेशन में हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही बात करेंगे। सो आइए सबसे पहले इसके जो फंडामेंटल टर्म्स है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म दिया है इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन इज नथिंग बट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल having constant term with equal to sign. Means what? कि अगर कोई equation में variable है अपने constant coefficient के साथ, जैसे कि मैं अगर example दूं आपको, 2 हो गया constant term और x हो गया उसका variable, तो क्या ऐसे term को हम बोल सकते हैं equation? The answer is no, because still there is a equal to का sign अभी भी missing है. So plus 3 is equal to 0. हाँ, अब हम इसे इक्वेशन कह सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल भी है, उसका कॉन्स्टेंट टर्म भी है जिसे आप कोफिशियंट कह सकते हो, और इक्वल टू का भी साइन है, तो हम इसे इक्वेशन कह सकते हैं। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट पेज पे दिया है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले इस बेसिक टर्म को आप समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले किसे कहते हैं। यहां पर आते हैं तो ये आपका इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वेरिएबल होना चाहिए, उसमें कांस्टेंट टर्म उसका होना चाहिए, विद इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो ही हम उसे इक्वेशन कहते हैं। और अगर इक्वल टू का साइन नहीं हुआ तो जैसे मैंने आपको बता दिया 5x + 3, अब आप इसे क्या कहोगे? हम इसे इक्वेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पॉलिनोमियल जरूर कह सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, आपने पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, प्रेजेंस नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। जैसे यहां पर कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, तो हम इसे क्या कहते हैं? बायनोमियल, है ना, 2 टर्म्स अवेलेबल, सो वी कैन कॉल इट बायनोमियल। अगर मैंने इसे 5x + 3y + 2 ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का तो सेशन नहीं है, मैं आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इन अ इक्वेशन वेयर डिग्री और पावर और इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, मतलब आप चाहे उसको डिग्री बोलो, चाहे उसे पावर बोलो, चाहे इंडेक्स बोलो, तीनों एक ही नाम है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कोई एक नेशन जिसके 3 नाम हो, एक आदमी के 3 नाम होते हैं ना, जैसे अब हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस नेशन में रहते हैं, हम इसे इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी इसे कहते हैं, तो ऐसे ही 3 नाम है। तो डिग्री, पावर, इंडेक्स, तीनों का मतलब होता है वेरिएबल का इंडेक्स, यानी उसका पावर कितना है, तो उसका पावर होना चाहिए 2। अगर उसका इंडेक्स 2 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? द आंसर इज नो। वेरिएबल तो है लेकिन इसका जो डिग्री है यहां पे 1 है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसे यहां पर ऐसा कुछ ले लूं 5x² + 3 = 0, अगर मैं ऐसा कुछ टर्म यहां पे ले लूं, तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? द आंसर इज यस, बिकॉज वेरिएबल भी है और उसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। जो ए बी सी है ये तीनों मेरा स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म होगा, ऑलवेज रिमेंबर ए बी सी मेरा तीनों कांस्टेंट टर्म होगा, जिसमें कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स वॉट? ऑलवेज रिमेंबर कि ये वाला टर्म आपका कभी भी इसमें a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो मेरा जो x² x^2 वाला टर्म है वो भी 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक रहा कहां? अगर इसे क्वाड्रेटिक मेंटेन रखना है इस इक्वेशन को, तो आपको तो हाईएस्ट डिग्री 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन ही चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर a जो टर्म है आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b और c आपका 0 हो जाएगा तो चलेगा। जैसे यहां पर देखो a वाला टर्म लिया है, b वाला टर्म लिया है, c नहीं लिया है, तो भी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, तो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। हाँ, अगर इक्वल टू का साइन नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इफ आई
अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल से अगर मैं आपको ये समझाऊं, मान लीजिए कि मैंने ये 2x² लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म इट इज अ मोनोमियल, लेकिन डिग्री के ऊपर बात करेंगे तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है ना बेटा। यहां पर जैसे मैंने 2x² + 2 लिख दिया, बट इसमें इक्वल टू का साइन है नहीं है ना, तो ये इक्वेशन तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन डिग्री तो है ना वेरिएबल के पास, तो एक क्वाड्रेटिक तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल होगा, इक्वेशन नहीं होगा। अगर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना है तो आपको यहां पे इक्वल टू का साइन लगाना ही पड़ेगा, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला सकता है। इसके लिए मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आइए देखते हैं। 9y² + 5 = 0, तो क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? द आंसर इज यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहां पर देखो ए वाला टर्म है, सी वाला भी, बी मिसिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन वेरिएबल के साथ पावर तो है उसका, और वो कितना है 2, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड, m^(3 - 5m^(2+4)=0, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? द आंसर इज नो, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज हियर द वेरिएबल having the highest power is 3. Here the variable having the highest power is 2. तो ये मेरा quadratic equation हो सकता है, ये मेरा quadratic equation नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो इसका degree है highest वो 3 है, और ये कितना होना चाहिए बेटा? It should be a 2. Linear में कितना होना चाहिए? 1. Quadratic में कितना होना चाहिए? 2. इससे आप इसको याद रखो हमेशा के लिए, ठीक है। लास्ट वाला टर्म है l + 2 × l - 10 = 0। अब आप क्या करो, इसको आप खुद से सॉल्व करो और मुझे कमेंट में लिख के बताओ, जो बच्चे व्हाट्सएप पर हैं मुझे वहां पर लिखकर आप बताइए कि क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखो आप इसको देख के तो बोलोगे नहीं सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास तो डिग्री नहीं है 2, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो कितनी डिग्री मिलती है, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर पर दिया है 1 पर, वहां पर आप देखेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो वो आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल किस कंडीशन में कहते हैं। अगर इक्वल नहीं होगा तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, अगर ये इक्वल टू का साइन हटा दूं तो ये तो इक्वेशन होगा नहीं बेटा, तो ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल होगा। अब यहां पर डिग्री नहीं है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर इक्वल टू लग गया तो लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसको कहना है तो आपको इसका डिग्री भी 2 लिखना होगा, तो ही हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने इसका डिग्री 2 लिखा है तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं समझा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस टॉपिक पे अभी भी डाउट है, सो मैं डेफिनेटली उसके लिए भी और एक सेशन बनाऊंगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, जहाँ पर हम इसके प्रैक्टिस सेट 2.1 को स्टार्ट करेंगे।